कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साखी गंगा जल पावन हाला, रहे पेर था अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद को ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रही ये मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। यम आएगा साखी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी अंतिम साखी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला। आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, और दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर प्याला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता था कि बाबूजी शराब नहीं पीते हैं, और कई बार उनकी आलोचना भी हुई कि ये मदिरा के ऊपर जितना भी कविता लिखी गई है ये गलत है। एक बार किसी ने जाकर के महात्मा गांधी जी को भी उनका विरोध किया और शिकायत की उनसे। गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया, मध्य प्रदेश में किसी एक सभा में गांधी जी आए हुए थे, और उन्होंने बाबूजी को बुलाया और कहा कि आप सुनाइए। तो बहुत ही घबरा करके बाबूजी ने गांधी जी को कुछ पंक्तियाँ सुनाई। उसके बाद गांधी जी ने कहा इसमें तो कोई बुराई नहीं है, और उत्तट उन्होंने अपनी किताबें लपेटी और वहाँ से भागे और बच गए। तो अपने परिशिष्ट में बाबूजी ने लिखा कि मधुशाला के बहुत से पाठक और श्रोता एक समय समझा करते थे कि कुछ शायद अब भी समझते हो कि इसका लेखक दिन रात मदिरा के नशे में चूर रहता है। वास्तविकता यह है कि मदिरा नामधारी द्रव से मेरा परिचय अक्षरशः बरामद। वास्तविकता यह है कि नशे से इनकार नहीं करूंगा, जिंदगी ही एक नशा है, कविता भी एक नशा है, और भी बहुत से नशे हैं। अपने प्रेमियों का भ्रम दूर करने के लिए मैंने एक समय एक रुबाई लिखी, और वो ऐसी थी कि स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने ये सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला।